नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नरवा तहसील पर आज सैकड़ों की तादाद में आदिवासी महिला पुरुषों ने आदिवासी नेता बाली कुशवाहा के नेतृत्व में नरवा एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। नेता बाली कुशवाहा ने बताया कि पिछले एक महीने से तहसील के गरीब आदिवासी लोग अपने पीएम आवास और बीपीएल कार्ड, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार इन्हीं समस्याओं को लेकर नरवर तहसील के तहसीलदार एसडीएम से मिलना चाह रहे थे, लेकिन साहब लोग तहसील में होने वाली जनसुनवाई को नहीं मिलते हैं, जिसके चलते आज दर्जनों गांव के आदिवासियों ने तहसील का घेराव किया। कुशवाहा ने की अगर शीघ्र ही कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, वे जिले के सभी आदिवासी गरीब लोगों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर शिवपुरी पर भी जंगी प्रदर्शन करेंगे। संवाददाता जयंत सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। और हमारी बीपीएल थे उनके उठाए गए राशन कार्ड। पंचायत को बोला आपने? पंचायत से बोला, ऊपर अधिकारियों को? अधिकारी को बोला, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अभी आपने क्या आश्वासन दिया यहाँ से? हमने ये दिया साहब, ये वो उसका लाट कर दिया और ये बीपीएल के दिया, मैं बीपीएल हटा गए हैं। हाँ, और ये डीपी के दिया, डीपी को भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और साहब रास्ता में ये कीचड़ बहुत ज़्यादा है, कोई सफाई उपाई नहीं, कोई नाली बन चुकी है, उनका कोई पानी का निकासी नहीं हो रही है। क्या है आपकी समस्या? आपकी समस्या क्या है? ना हमारे पास पर्दा है, ना हमारे पास मिट्टी है, ना हमारे पास लेटर है, ना हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास को, ना हमारे पास पीपीएल के कार्ड है। सर जी, आप वाली हाँ, क्या लेके समस्या आए थे? आज नरवर तहसील पर विभिन्न ग्रामों से सारी आदिवासी गरीब लोग आए थे। हाँ, पिछले एक महीने से प्रयास कर रहे हैं जी। समय भी तहसीलदार साहब यहाँ उपस्थित नहीं थे। हाँ, तहसीलदार को फिर से बुलाया था। हाँ, विभिन्न प्रकार की समस्याएं रह गई थी। कुछ नरवर में करीब 500 बीपीएल कार्ड काट दिए हैं जी, जिनकी बात मैंने कहा था कि एस डी एम सी आए उनको बनाए जारी करें। हाँ, तो मैडम ने कहा था ये एस डी एम का काम है जी। पिछले एक महीने से मैंने कई आवेदन दिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। आज करीब यहाँ 500 सारी आदिवासी गरीब लोग आए थे, लेकिन सुना है कि आज भी एस डी एम नहीं आए। एस डी एम के अलावा कोई यहाँ अधिकारीगण नहीं है। अच्छा, ये काफी लोग परेशान हो रहे हैं। तहसील का ये हाल है, यहाँ पे आवेदन ले लेते हैं कर्मचारी अधिकारी, लेकिन उन्हें उनकी प्राप्ति भी नहीं देते हैं और कोई कार्य भी नहीं होता है। ये समस्याओं को मैं लेके आया हूँ, और इस तरह से अगर ये इस तरह से यहाँ मिसमैनेजमेंट रहेगा तो मैं एक ही महीने के अंदर कलेक्टर पर धरना करूंगा, जंगी प्रदर्शन करूंगा, शीघ्र करूंगा जी। अभी आप ये लेके आए थे सर, तो किसको दिया गया? ये यहाँ पे जो कर्मचारी विनय बाबू जी है, इन्होंने जिम्मेदारी ली है और इन्होंने कहा कि मैं आज ही सभी विभागों को सेंड करके और आज ही समस्या का समाधान करने के लिए मैं उनको बोलता हूँ जी।